स्कॉलरशिप दे बकाया भुगतान की मांग इस चिट्ठी के राही की गई है। अप्रैल 2017 तो मार्च 2020 तक का भुगतान केंद्र सरकार करे। एक बार फिर तो दस दिए, अप्रैल 2017 तो मार्च 2020 तक का भुगतान केंद्र सरकार करे, ये मुख्यमंत्री ने अपनी चिट्ठी दे विच मांग की है। नीतिका महेश भी साढ़े नाल फोन लाइन से जुड़ चुकी है। नीतिका, की जानकारी इस चिट्ठी दे विच और की कुछ शामिल किया गया कि लगता है हुण सूबा सरकार गंभीर है स्कॉलरशिप मामले नूं लैके, बकाया राशि दी वंड नूं लैके? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਗਗਨ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੇ ਨਾਲੀ ਫਰਵਰੀ 9 2020 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। करीब 560 करोड़ की जी अमाउंट है उन्होंने वालों कहा गया है कि जे दलित बच्चे ने उन्होंने एजुकेशन से असर पै रहे क्योंकि ये फंड जो रिलीज नहीं किए गए। ना ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सू बड़ी देरी दसिया कि सेंटर से स्टेट का हम शेयर की रहेगा, 60-40 का जो रेशो है उन्होंने कहा कि पहला जानकारी नहीं दी गई। हुण सरकार नूं केंद्र सरकार नूं चाहिए है कि वह फंड जिहड़े ने रिलीज किए जाए ताकि बच्चों की एजुकेशन से प्रभाव ना पवे। नाल ही कैप्टन अमरिंदर वल्लों यह भी लिखा गया है कि असी बॉर्डर स्टेट से हाँ तो जरूरी है ना बच्चों नूं एजुकेशन दिती जाए, इंप्लॉयमेंट दिती जाए ताकि वह किसी एंटी सोशल एंटी नैशनल एलीमेंट्स ना पैन। यह गल भी लैटर दे विच लिखी गई है। फिलहाल हुण देखना होगा कि केंद्र वल्लों प्रधानमंत्री मोदी वल्लों की रिप्लाई आउंदा है। जी, और इस तो पहला ऐसे मुद्दे नू लेके पंजाब कांग्रेसी खेमे दे अंदरों ही जो आवाज उठ खड़ी हुई सी कि लगता है कि चिट्ठी उसे आवाज का असर भी हो सकता है। देखो जरूर, क्योंकि जे हुण पंजाब की गल की जाए पंजाब के कॉलेज प्राइवेट कॉलेज ने साफ तौर पर कह दिता है गगन की 2 लाख बच्चों की असी जी एडमिशन नहीं करांगे दलित बच्चों की क्योंकि साढ़े को 2017 तो 2020 के जिहड़े पेंडिंग अमाउंट है वो हले सानू नहीं मिली। तो उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि असी अजिहे दे विच 2 लाख बच्चों पढ़ा नहीं सकते जे तुसी सानू अमाउंट रिलीज नहीं करोगे। तो यह जिहड़े प्राइवेट कॉलेज एसोसीएशन है उन्होंने फैसला लिया सीगा कि जदों तक साडे कोल स्टेट फंड रिलीज नहीं करदी उदों तक इन्हां बच्चों के रोल नंबर विदहोल्ड करके रखांगे। ते हाले तक उन्होंने बच्चों ने नंबर रिलीज नहीं किए गए। यही कारण है कि नैशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी इसका जरा मोटो लिया। चेयरमैन ने जे इस कमीशन के विजय सांपला उन्होंने भी पंजाब सरकार नोटिस जारी कर जवाब तलब किया कि तुम बच्चों की पढ़ाई के नाल अजिहा नहीं कर सकते, उन्होंने भविख के नाल अजिहा नहीं कर सकते। नाल ही यह किया गया कि कुछ भी करके कोई भी रीजन ना दो सानू कुछ भी करके तुसी इन्हां बच्चों की जिहड़े रोल नंबर ने उसनू रिलीज करवाओ।